अलवर के सदर थाना क्षेत्र स्थित सिली सेड झील के समीप 4 महीने पहले एक युवक का अपहरण कर 5 लाख की फिरौती मांगने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सदर थाने के सहायक उप निरीक्षक मनोहर ने बताया कि 4 महीने पहले कामा के रहने वाले एक युवक का सिली सेड के पास 6 युवकों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं द्वारा मोबाइल पर फोन कर पीड़ित युवक के परिजनों से 5 लाख की फिरौती मांगी गई थी। पीड़ित पक्ष की दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपितों का पीछा किया तो पुलिस की डर से आरोपी बहादुरपुर के समीप पिलावा गांव के पास इस पीड़ित युवक को पटक कर फरार हो गए। दिनांक 10 सितंबर 2022 को मोबिन कुतपिसरी इब्राहिम जाति में हमारे 45 साल निवासी पालड़ी थाना कामा जिला भरतपुर ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि मेरा लड़का वो उसका दोस्त का अपहरण सिली सेड से कर लिया है। मेरे लड़के का नाम हासिम है, वो उसका दोस्त का नाम आरिफ है। सिली सेड घूमने गए थे, वहाँ 5 लड़कों ने अपहरण कर लिए हैं, जिसको आरिफ को रास्ते में पटक गए थे और हासिम को पीलवा बादरपुर के पास क्रेटा गाड़ी और उसको वहाँ छोड़ के चले गए थे। पुलिस ने उनका पीछा किया तो वो डर की वजह से छोड़ के चले गए थे। जिनकी तलाश की गई तो मुलजिमान तौसिफ कुरैशी, टिंकू वर्मा, भूपेंद्र साहिल खान को गिरफ्तार किया गया है, बापर तक गिरफ्तार किया गया है, जिनके अभी अग्रिम अनुसंधान कार्रवाई की जानी है, जेल में दाखिल कराया है। आरोपियों को कहाँ से गिरफ्तार किया है? आरोपियों को वो कल कोई योजना बना रहे थे तो मन्ना करो दस्तयाब किया जाकर उनको लेके आए, जिनको बापर तक गिरफ्तार किया गया। अभी समन जारी कराया कर और शनाख्त क्लियर कराई जाएगी। और खबर अलवर जिले के मुंडावर से है, जहां कस्बे में शराब के ठेके के पास एक अज्ञात अधेड़ के संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन दुकानों के पास पानी की कुंडे में शव तैर रहा था। थानाधिकारी संजय शर्मा में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे। तो वही लाखेरी के बलवान ग्राम पंचायत के सरपंच महावीर मीना गुरुवार को पानी